खाना खाना होगा। साहब के रूम देखे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम सर। क्या पढ़े थे लोग पिछले क्लास? कैम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धांत सर, इसमें मार्शल का हो गया था, रॉबर्टसन का हो गया था, जेम्स केन्स का हो गया था, पीगू पीगू का नहीं हुआ था? का नहीं हुआ था सर। पीगू का नहीं हुआ। एक कैटेगरी में जो है मार्शल जी है, दूसरा कैटेगरी जो है एससी। इसमें के का मतलब होता है कि मान, और पी का मतलब होता है मूल्य मूल्य स्तर। मूल्य स्तर वस्तु का मूल्य। वस्तु का। ई जनाब जो है तो कहते हैं कि के है मुद्रा की मांग। ई को ही कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा का मूल्य स्तर, मुद्रा का नियम क्या है कि वस्तु का मूल्य बराबर होता है 1/2 मुद्रा का मूल्य। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। का मूल्य घटेगा तो मदरा का मूल्य बढ़ेगा का मूल्य घटेगा। बढ़ेगा तो इसलिए पीगू का कैम्ब्रिज समीकरण पीगू का कैम्ब्रिज समीकरण जो है को वैल्यू ऑफ मनी माना गया। वैल्यू ऑफ मनी माना
कैसे पिगो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी एससी पिगो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ
यहाँ देखिए P इज इक्वल टू K, अब ब्रैकेट चला गया R बाई M। अब संबंध देखिए, K है आपको मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग बढ़ती है, वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ती है। वैल्यू ऑफ मनी भी वैल्यू ऑफ मनी और मूल्य में उल्टा संबंध है, अगर देखे जी सर, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ने पर वस्तु का मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य घटेगा सर, टेढ़ा कर दिए, बात वही है जी सर, वैल्यू ऑफ मनी और वस्तु का मूल्य में अपोजिट संबंध। इससे वस्तु का मूल्य घटती है, वस्तु का मूल्य घटती है, मूल्य घटता है, बात वही आ गया, के बढ़ता है तो पी घटता है। जी, पी जो है मार्शल का पी है, जी यहाँ जो पी होगा मार्शल का, वही इनका पी तो बनी है, जी। इसलिए इसमें विभू का कहना है के बढ़ने पर पी भी बढ़ता है और पी वैल्यू ऑफ मनी है। स्पष्ट है, स्पष्ट है स्पष्ट है स्पष्ट है कि तथा विभू के पी, विभू को पी के बीच सीधा संबंध है, सीधा संबंध है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी है, मार्शल रॉबर्टसन ने वस्तु का मूल्य माना था, वस्तु का इसलिए 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 इसका पोजीशन विपरीत होता है।
का पोजीशन विपरीत रहता है ना, जी सर, मार्शल रॉबर्टसन था, इस व्यक्ति का पोजीशन विपरीत रहता है। जी दोनों एक ही बात को दो तरह से कहा गया, रॉबर्टसन ने कहा एम इज इक्वल टू ई के टी, टी इज इक्वल टू एम बाई के टी, टी इज इक्वल टू वन बाई के, वन बाई के इनटू एम बाई टी, एम और टी कांस्टेंट। क्या उल्टा नजर आ रहा है? पी को पीगू ने कहा M इज इक्वल M इक्वल टू के आर बाय पी, के आर बाय पी जे, तो पी इक्वल टू हो जाएगा के आर बाय एम, के आर बाय एम ऊपर आ गया जे, है ना जी सर। यहाँ की है वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य और यहाँ की है मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य के मूल्य, जी जो वस्तु के मूल्य का उल्टा होता है, उल्टा प्रभाव डालता है मूल्य का। ठीक, डालता है किसी को थ्योरी ऑफ प्राइस एंड डिमांड। यहाँ आपको उल्टा संबंध है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है, मनी एंड डिमांड फॉर क्लियर है जी सर। जी सर एक मिनट रुक जाइएगा, तब मिटाइएगा है?
ये एक मिनट लीजिए, पीयू ने इसी को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑफ डिमांड कहा है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी, ये वैल्यू ऑफ मनी का है, रॉबर्टसन का है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ प्राइस एंड डिमांड फॉर मनी। जी मनीषा जी, डिमांड फॉर मनी। जी हो गया। इसी को कहता है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। पुरानी शराब नई बोतल में, पुरानी शराब नई बोतल, ओल्ड वाइन इन अ न्यू। पूछेगा कि ओल्ड वाइन इन बोतल क्यों कहा गया, ओल्ड वाइन इन अ न्यू, क्योंकि ये कैम्ब्रिज वाले को नहीं दे दिया। ओल्ड वाइन न्यू आगे एम इज इक्वल टू प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी में क्या संबंध है? अपोजिट संबंध है सर। कोई संबंध? E is equal to 1 by V. जी। E is equal to 1 by V. V is equal to 1 by P. M is equal to P के जगह पर डाल देंगे 1 by V. पता है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है मनी का और प्राइस, इस दोनों में विपरीत संबंध है। तथा भी के बीच विपरीत संबंध। सही कर लीजिए, के इज इक्वल टू वन बाई बी। हैंसन की किताब हैंसन ने लिखा है
k is equal to 1 by v and v is equal to 1 by k. मतलब कि k तथा v तथा v के बीच विपरीत संबंध तथा भी के बीच विपरीत संबंध होता है। यहाँ सर के सर मुद्रा की मांग है सर। के का मतलब मुद्रा स्थिर रहेगा। मुद्रा की मांग क्या है? वह हिस्सा जो स्थिर रहे, वेलोसिटी हुआ चलन वेग, वो स्थिर नहीं दौड़ेगा। मुद्रा का चलन वेग जो है, मुद्रा का स्थिर मांग जो है, दोनों में विपरीत संबंध। एक मतलब होता है मुद्रा को आइडल रखना। एक का मतलब क्या होता है? मुद्रा को आइडल रखना। एक का अर्थ है मुद्रा को आइडल, इसलिए रखना। अभी का मतलब होता मुद्रा का दौर, मुद्रा का चलन वेग, चलन वेग अर्थात मुद्रा का दौर, मुद्रा का दौड़ना। यहाँ है आइडल, यहाँ है दौड़ना। डिफरेंस हो गया ना? जी। ये जो है मुद्रा का चलन वेग है, मतलब मुद्रा का दौड़ना। के का अर्थ होता है मुद्रा का आइडल है, निष्क्रिय रखना। जी। हैंसन ने कहा कि के तथा भी के बीच में विपरीत संबंध है। क्लियर है बात? जी। जब विपरीत संबंध है तो हम लिखेंगे एक के जगह पर उसका मान बैठा देंगे वन बाई, इसको बाएं करेंगे निकल गया एम बी पीटी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। Old wine, new bottle. New bottle. M B equal to Fisher का हो गया sir. हो जाता. Fisher है. अभी कौन है? Camry. रॉबर्टसन का सर। कैम्ब्रिज का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो रॉबर्टसन का है, सूत्र को हम रखे और भी का मान डालते हैंसन वाला, एम बीज का टू पीटी आ जाता है। तो एम बीज का टू पीटी ओरिजिनल है फिशर का, फिशर का। तो इसका मतलब हुआ कि फिशर के बात को दिमाग लगा के आप उल्टा करके लिख दिए और कह रहे हैं हमारा नया नया नहीं है,
आता है ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, सिर्फ एमवी चेंज किया है, बस उसका वैल्यू केक का वैल्यू केक का वैल्यू चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिया और कहा हमारा मैच समझ गए सर इस बात। जबकि हैंसन कहते हैं कि जो चीज दौड़ेगा जी उसका विपरीत वाला स्थिर रहेगा जी, के है मुद्रा का स्थिर रहना, अभी है मुद्रा का दौड़ना चलन वेग, ये अस्थिर वाला पार्ट है। अभी ये मुद्रा खड़ा है, जितना खड़ा दौड़ेगा उतना खड़ा बैठा हुआ है, बैठा रहेगा ज्यादा दौड़ेगा नहीं, और दौड़ेगा ज्यादा तो बैठेगा नहीं जी। प्रणाम सर। ठीक है ना बारा जी? जी सर, सर तबियत कुछ खराब, वो अभी 6 दिन पूरा नहीं हुआ है तो बैठे थे घर में, क्या करे, क्लास चल रहा है तो क्लास ज्वाइन कर ली। पहुंची कुछ दवाई वही लगाया है? नहीं सर, लड़की हुई ना हमको, बताए नहीं दी। अरे हम खुद, मेरा सीरियस कंडीशन था इसलिए। कांग्रेचुलेशंस दे। लास्ट क्लास में तुमको जब हम देखे थे जी, तो हमको ये आभास हो गया था जी। सर पिछले गुरुवार से ही तबीयत खराब थी, तो हम आपको बोले थे ना सर, गुरुवार को डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे हैं तभी तो आभास हो गया था कि लड़की होगी। अच्छा लेकिन हम बोले नहीं तुमको जी जी। इसका पहचान क्या है जानती हो? सिंपल पहचान है, जब लड़का होने वाला रहता है तो मदर का चेहरा जो है बहुत ही दुखदाई हो जाता है, और लड़की जब होने वाली रहती है मदर का चेहरा जैसे सुहाने का समय होगा और सुंदर दिखने लगता है जी जी, मेरे पर चमक आ जाता है जी। तो ये चीज एक दो ने किसी पर तुम चेक करोगी का बात कहना सही है, तो हम देखेंगे भाई तुम्हारा चेहरा अचानक काफी खूबसूरत और चमक रहा है। हम मन मने कहे कि बोलना ठीक नहीं है, फर्स्ट लड़की है दूसरा भी लड़की, बोलना ठीक है, लड़का हो जाता है तो जी 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 नजर खत्म रहता है जी जी जी। अब तो जो अब तो जो हो गई हो गई, अब तीसरा का तो कभी कभी भविष्य में भी नहीं, हम तो दूसरा भी नहीं सोच रहे थे ना ना, वो सब अभी का एज में जो है कम से कम 4। हाँ सर, एसेट है हम लोग का, एसेट क्या है सर, हम तो दूसरा भी नहीं सोच रहे थे, दूसरा भी नहीं सोच रहे थे, 7 साल का डिफरेंस है सर दोनों में, एसेट है इसको नहीं जानता है कंप्लीट कर जाए क्या कर जाए। जी सर ये आप हमको बताते थे, हम लोग जब क्लास करते थे ना तो वो इसका तो एग्जांपल गांधी जी का एग्जांपल देते थे, मार्शल मार्स गांधी जी का, गांधी जी अपने माँ के कितना में संतान थे, देखो मानती नहीं बन गए, क्या कौन बन जाएगा, कब कौन किस पोस्ट पे चला जाएगा। लड़की भी बड़ी हो गई है, वो भी हेल्प करेगी लेकिन हम नहीं बैठ के देखेगी भी तो वो हेल्प पे ना होगा, और तुम उठ के कहीं जा रही हो वहां पर 2 मिनट बैठ जाएगी जी जी, हेल्प है। चलो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, बहुत बड़ी उपलब्धि है, तुम इसको अंडरमाइन नहीं करो, ये बीपीएससी यूपीएससी के बराबर उपलब्धि जी सर जी। वो नहीं है उससे जाके पूछो तो क्या जी सर उसको क्या प्रॉब्लम है। गुड़गांव में हम जहाँ रहते हैं, नीचे वाली मेरे इसके पास 3 तल्ला मकान है गुड़गांव में, और उसको कोई बच्चा नहीं है, वो इतना डिप्रेशन में है, प्रत्येक 4 दिन में जा करके वो एडमिट हो जाती है, बिना मतलब का एडमिट हो जाती है, तो 50-60 हजार रुपया खर्चा हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, फिर आ जाता है। बराबर बोल रहो, इट इज एन एसेट जी, है ना बोलते तब ना क्लास ज्वाइन कर दिए सच में। और मेरी मेरी जो शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है सर,
बस विल पावर मजबूत है क्योंकि मेरे कि इकोनॉमिक्स से पूरा पड़ी है तो उसते उसते जो है बोले लगे माथस बोल सकती है क्योंकि देखिए अभी हम पढ़ रहे थे तो आपका आवाज ऐसे ऑन किए शांत हो गई क्योंकि उसको सुना हुआ आवाज लग रहा है जैसे जो जो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट है कि गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गायत्री परिवार में ना ये आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी में तो उसमें एक कोर्स वर्क होता था तो उस समय उसमें बताता था कि बच्चे को जो चीज सुनाइएगा तो वैसा बनेगा, तो जैसे कि आपका वाला क्लास वाला सुना दिए तो शांत हो अर्थशास्त्री बनेगी चुप हो जाती है आवाज सुनी चुप हो गई। उसके बाद ये अमेरिका का उसका रिसर्च है सर, ये कैम्ब्रिज ये जो है रिसर्च सेंटर जो है नाम हम बोल रहे जो यदि गर्भ में बच्चा जो रहता है तो उसके आप जो करिएगा 80% वही दिमाग विकसित हो जाता है। अभिमन्यु का है ना इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जी, इकोनॉमिक्स से तुम सुनाई उसको जी 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 इकोनॉमिक्स में तो साइंस से सर ज्यादा हार्ड होता है इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स सब चीज था उसमें जब हम उसका वाला बना रहे थे सब कुछ बना ही रहे थे मेरी बहन कहती थी तुम्हारी जो भी होगा वो कॉपी कलम लेके ही आएगा हेलो पुलकिता तू इतनी बड़ी हो गई हाय पुलकिता जब छोटी थी तो इसकी मम्मी चली जाती थी ऑफिस हम आते थे तो इसको लगता था कि मेरी मम्मी आ गई तो मम्मी मम्मी बहुत प्लेजर है भाई वो बेटी दूसरी बेटी विद टू गो ऐसे हो गया हाँ बहुत बहुत ही अच्छी बात तो इसके नेगेटिव वे में नहीं देना है हम सर नेगेटिव कभी नहीं लेते मेरे फैमिली में भी कोई नेगेटिव नहीं Okay, thank you.